अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। हादसा होने से पहले किसी तरह की खबरदारी लेने से भी ज्यादा हादसे के बाद इस पर तवज्जो देने की पहले से ही आदत सरकारी महकमाओं में देखी जाती है। एक बार फिर वैक्सीन यानी बच्चों को जो टीके दिए जाते हैं, अब हुकूमत ने इसे 3 बच्चों की मौत के बाद रोक लगा दी है। आज की यही अहम खबर है। अब इसे क्या कहा जाए? क्या किसी के मरने के बाद ही तमाम तहकीक तफ्तीश या फिर इंक्वायरी वगैरह का एक तरह का तमाशा किया जा रहा है? दरअसल इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया कहा जाए या फिर ये यूं ही चलता रहेगा। 3 मासूम बच्चों की मौत के बाद इस बात का तस्करा रियासत में हो रहा है। महज 14 से 20 महीने के बच्चों को रूबेला टीका दिया गया, वैसे 17 बच्चों को दिया गया था जिसमें 5 की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। आखिर किसकी गलती? इस पर वक्ती बहस मुबासे देखे जाते हैं। एक और इत्तला के मुताबिक सेहत महकमा के मुलाजमीन की गलती की वजह से इन बच्चों की जान चली गई। कहा यह भी जा रहा है कि जिन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखना था उन टीकों को फ्रिज में रखा गया, लिहाजा इसकी कीमत बच्चों की जान लेकर चुकाई गई। ऐसा नहीं कि यह पहली मरतबा हुआ, और वैसे भी दिगर मामलों में भी इसी तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। सड़क हो, बिजली की तारें हो, ब्रिज के खस्ता हालात हो, या फिर कई बहुमंजिला इमारतें हैं जो बिल्कुल पुरानी और गिरने की कगार पर है। जब तक हादसा नहीं होता इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती, लिहाजा जब गिरकर आवाम को जिंदगियों से हाथ नहीं धोना पड़ता तब तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, कार्रवाई नहीं की जाती, कई मरतबा फरियाद भी की जाती है, हुकूमत की नजरों में लाया भी जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में रिश्वतखोरी की जड़ इतनी गहरी है कि इस पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक हादसे की शक्ल में लोग न मर जाए, और तफ्तीश या फिर इंक्वायरी भी महज दिखावा या फिर नौटंकी ही होती है, कुछ नहीं रहता। क्या हमने कोरोना के दौर में नहीं देखा कि कैसे इंसानी जान के साथ खिलवाड़ किया गया, कितने लोग मर गए, कितनों को कफन तक नसीब नहीं हुआ? आखिर क्या वजह थी कि लोग दवाइयां इलाज के बगैर मर गए? अब रामदुर्ग मामले को संजीदगी से लेने की बात तो कही जा रही है। कोल्ड चेन ब्रेक होने से हादसा हुआ ऐसा भी कहा जा रहा है। इसे लेकर सेहत महकमा के आला अफसरान को भी नोटिस दी गई है। वजीर आला बुम्बई ने DC बेलगाम के जरिए तमाम तफसीलात को मांगा है। आखिर वैक्सीन जहर कैसे बन गई? इस पर रियासती सतह पर चर्चा जारी है। किस तरह की लापरवाही बरती जाती है, इससे बड़ी मिसाल शायद कहीं देखने को ना मिले। जो वैक्सीन की बोतल सेहत महकमा के कोल्ड स्टोरेज की बजाय होटल के फ्रिज में रख दी जाती है, लिहाजा इसकी कीमत बच्चों की जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर ऐसी वारदातें कब तक होती रहेंगी और कब तक यूं ही सरकार खामोश सोती रहेगी? बेलगाम शहर और अतराफ में खांसी सर्दी बुखार की लहर देखने को मिल रही है। अभी से कोरोना या ओमिक्रॉन समझने की गलती अक्सर लोग करते देखा जा रहा है, जबकि यह मामूली फ्लू की तरह होने की बात कही जा रही है। लेकिन कुछ लोग हमेशा की तरह अपना कारोबार करने के लिए कोरोना टेस्ट या दिगर डराने वाले ट्रीटमेंट की तरफ रागिब करते देखा जा रहा है। अक्सर क्लिनिक में भीड़ देखी जा रही है। जाहिर है डॉक्टरों में भी खुशहाल माहौल है, साथ में बरकत की दुआओं का एहतमाम भी देखा जाए। बहरहाल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े तो बढ़ते देखे जा रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा माहिरीन का कहना है। आज कुल 418 पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसमें 11 पुलिस महकमा के लोग होने की इत्तला हासिल हुई है। अहम बात यह भी रही कि एक बार फिर हुकूमत कर्नाटका की जानिब से किसी तरह का लॉकडाउन न करने की बात कही जा रही है। आज सबसे अहम जिस मौजू पर तबसरा रहा वो कॉरपोरेशन बेलगाम को अब तक कोई माए बाप क्यों नहीं, जबकि 4 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया लेकिन अब तक बेचारे कॉरपोरेटर्स कानूनी तौर पर दाखिला तक कर नहीं पाए। 6 सितंबर को चुनाव मुकम्मल हुआ और भाजपा ने अक्सरियत के साथ जीत भी दर्ज की, लेकिन अब तक किसी तरह भाजपा की जानिब से मेयर या डिप्टी मेयर को मुंतखब ना करना आखिर क्या वजह हो सकती है, जबकि कानूनी तौर पर यह भी गलत कहा जा रहा है। आज कांग्रेस के सतीश जारकिहोली ने साफियों से मुखातिब होते हुए बतौर तंज कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर तो अभय पाटिल और अनिल बेन के हैं, इन्हें सिर्फ गाउन पहनना बाकी है, लिहाजा यही तमाम कामों पर अपना हक जमा चुके हैं, ऐसा इनका शायद कहना हो सकता है। क्या वाकई अपनी मनमानी करने के लिए भाजपा की जानिब से ताखीर की जा रही है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है, जबकि खुद भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव जल्द मुकम्मल कर कारपोरेशन के कामों को अंजाम दिया जाए। कांग्रेस कारपोरेटरों की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। बड़े जोर शोर से चुनाव तो हुए, कईयों की गुलपोशी का दौर भी काफी तवील अरसे तक गुजरा, आखिर में ये गुलपोशी भी खत्म हुई, लेकिन अब तक कारपोरेशन में दाखिल होने का मुहूर्त हासिल नहीं हो रहा, इसके लिए भाजपा की जानिब से जानबूझकर देरी कही जा रही है। लिहाजा आज कांग्रेस कई सतीश जारकिहोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बेलगाम मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के लीडर होने पर तंज किया, जिसकी चर्चा आज पूरे दिन जारी रही। ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪ, ಮೇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಉಪ ಮೇಯರು ಇದಾರ, ಅಭಯ್ ಪೈಟ್ಲು ಮೇಯರು, ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಉಪ ಮೇಯರು, ಅಭಯ್ ಪೈಟ್ಲು ಮೇಯರು, ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಉಪ ಮೇಯರು,
ಅವರು 5 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಚಾ ಕುಡಿದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ? ವೈ ಪಟ್ಲ ಮೇಯರ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಸೋದು ನೋಡೋಣ. ಗೌಣ ಹಾಕ್ಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗೌಣ ಕೊಡುವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಇನ್ನೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅವಧಿ ಮಾಡಲಿವರು. ಅರೆ ಗೌಣ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಭಯ ಪಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬೆನಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವರೇ ಮೇಯರು ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ಮೇಯರ್ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಜಿಲ್ಲಾದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋರ ಅವ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, 28 ಜನ ಇದೀವಿ ನಾವು, 28 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌನ್ ಇಲ್ಲರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌನ್ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೊಡಿಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನಡೆದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರ ಮೇಯರು ಉಪ ಮೇಯರು ಇಬ್ಬರ. ಬೆಲಗಾಂ ಶಹರ್ಗೆ ಕರೀಬ್ ಕಂದ್ರಾಳಿ ಅವರ ಅಲದ್ಗಾಕೆ ಕನ್ನಡ ತಕ್ತಿಯೋಪರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಪೋತನೆ ಲೇಖರ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಫರ್ಯಾದೆ ದರ್ಜ್ ಕಿ ಗಯಿ ಹೈ. PMC ಅವರು ಕಾಕ್ತಿ ಪುಲಿಸ್ ಥಾನೋ ಮೇ ಮಾಮಲಾ ದರ್ಜ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ಫಿರ್ ಶಹರ್ ಕೆ ಮಾಹೌಲ್ ಕೋ ತಶದ್ದುದ್ ಮೇ ತಬ್ದೀಲ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕುಶ್ ಶರ್ಪಸಂದ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಕಿ ಜಾನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಜಾ ರಹೀ. ಲಿಹಾಜಾ ಪುಲಿಸ್ ತಹಕೀಕ್ ಜಾರಿ ಹೈ, ತಕ್ತಿಯೋ ಕೋ ಸಫೇದ್ ರಂಗ್ ಸೆ ರಂಗಾಯಾ ಗಯಾ. ಬಢತೆ ಕೊರೋನಾ ಮರೀಜೋ ಕೆ ಆಂಕಡೋ ಕೆ ಮದ್ದೆನಜರ್ ಬೆಲಗಾಮ್ ಅದಾಲತ್ ಮೇ ಫಿರ್ ಸೆ ಅವಾಮ್ ಕೋ ದಾಖಲಾ ದೇನೆ ಪರ್ ಪಾಬಂದಿ ಲಗಾನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸಾಮ್ನೆ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಅವಾಮ್ ಮೇ ನಾರಾಜ್ಗಿ ಕಾ ಇಜ಼ಹಾರ್ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಹುಕೂಮತ್ ಕಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕಿ ಅಸಲ್ ವಜಹ ಹೀ ಲೋಗೋ ಕಿ ಪರೇಶಾನ್ ಹೋನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ. ಜಬ್ ಬಾಜ಼ಾರ್ ಔರ್ ಹರ್ ಭೀಡ್ ಭಾಡ್ ವಾಲಿ ಜಗಹೋ ಪರ್ ಅವಾಮ್ ಘೂಮ್ ಫಿರ್ ರಹೀ ಹೈ, ಅದಾಲತ್ ಐಸಿ ಜಗಹ ಜಹಾಂ ಪರ್ ಕೋಯಿ ಭೀ ಫಿಜ಼ೂಲ್ ಘೂಮ್ನೆ ನಹೀ ಆತಾ. ಲೇಕಿನ್ ಅಬ್ ಅವಾಮ್ ಕೋ ದಾಖಿಲ್ ಹೋನೆ ಪರ್ ಪಾಬಂದಿ ಕಿ ವಜಹ ಭೀ ಸಮಝ್ ಸೆ ಪರೇ ಹೈ, ಐಸಾ ಅವಾಮ್ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಜಾರಿ ಹೈ. ಖಬರೋ ಕಾ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಯೂ ಹೀ ಚಲ್ತಾ ರಹೇಗಾ. ದೇಖ್ತೇ ರಹೇ ಇತ್ತೆಹಾದ್ ನ್ಯೂಸ್. ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಾ ಹಾಫಿಜ್.